दोस्तों जब अनुबंध जमा हो गया आपके अक्टूबर में ही तो फिर आपकी जो सैलरी है वो एक दिसंबर से क्यों खासा एक क्वेश्चन बनता है और आप में से कई लोगों ने इस क्वेश्चन पे कमेंट भी किया है तो ये जान लेते हैं ये जो लेटर आया हुआ है ये लेटर क्या कहता है इस लेटर में क्या विशेषताएं छिपी हुई हैं तो जहां तक इस लेटर में आप सबसे तो नीचे देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो भी हमारे पंचायत सहायक हैं उनकी तैनाती नहीं हुई तो तत्काल उनकी प्रक्रिया पूरी की जाए और जो भी उनके द्वारा सेवा कराई जा रही है उसके बदले में एक दिसंबर दो हजार इक्कीस से प्रतिमा छह हजार रुपए का जो है, उनको दे जा है। बस आप जो भी उनसे सेवा कराई जा रही है उसके बदले में उन्हें जो है छह हजार रुपए का एक दिसंबर से दी जानी है इसके साथ साथ इस लेटर में सबसे नीचे जो लिखा हुआ है इस मामले पर आते हैं तो यहां पर क्या लिखा है यहां पर लिखा गया कि जो भी इनके द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं इस सेवाओं का सत्यापन करने के बाद जो है इनको मान दे दिया जाए दोस्तों बात इस मुद्दे पे करते हैं कि ये सत्यापन वाली बात जो है यह कहीं कि हमको ये करती है कुछ पंचायत सहायक अभी नहीं भी काम कर रहे हैं कुछ लोगों ने कुछ काम किया है कुछ लोगों ने नहीं भी काम किया है किसी किसी का तो अभी अनुबंध भी नहीं जमा हुआ किसी की ट्रेनिंग नहीं हुई किसी को कोई काम नहीं हुआ किसी ने अक्टूबर से ही काम करना शुरू कर दिया तो अब इस पर बात करें जो सत्यापन वाली बात आप देख रहे हैं सत्यापन का ये तात्पर्य हुआ कि जो बंदे मतलब जो पंचायत सहायक पहले से काम कर रहे हैं तो उनकी जो तिथि होगी वो पहले से सत्यापन होगी और जो पंचायत सहायक अभी तत्काल से काम कर रहे हैं तो उनका सत्यापन अभी तत्काल से होगा आ, मैं वीडियो को काफी लंबा नहीं करूंगा शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि जो भी पंचायत सहायक हमारे अक्टूबर से काम कर रहे हैं आपका अनुबंध जमा हो गया और आपको काम में इन्वॉल्व किया गया चाहे आप एस की फीडिंग करते चाहे पन, चाहे की हो चाहे आप ग्राम पंचायत जी की बैठक में इन्वॉल्व हो चाहे आप शौचालय का सत्यापन करते हो या फिर गांव में किसी भी तरह का आप काम एक्टिविटी करते होंगे तो फिर आपको वो सैलरी आपके उस डेट से दी जाएगी दो तो ये लेटर आया हुआ है लगभग रेगुलर सभी के लिए के, जिनका अनुबंध अभी तक नहीं जमा उनका अनुबंध जमा हो जाए और जिनकी सैलरी का प्रोसेस नहीं चलाया गया है जिनको काम में नहीं लिया गया है उनको काम में लाया जाए और एक दिसंबर से जिनकी भी सैलरी है वो सब जोड़ करके अलॉट की जाए लेकिन अगर अगर आप पहले से ही अपने ग्राम पंचायत में काम करते हैं तो आप जाहिर सी बात है आपका ग्राम पंचायत आपको सत्यापित करेगा मतलब आपके जो सचिव हैं वो आपको सत्यापित करेंगे और उनको यह पूरा अधिकार है कि जिस डेट से आपका अनुबंध मतलब जिस डेट से आप काम कर रहे हैं उस डेट से आपको सैलरी देने का अधिकार उनको है और यह लेटर कहीं ना कहीं उसमें इफेक्टिव नहीं रहेगा ये उनके लिए है क्योंकि अभी ज्यादातर गांव में जो है अभी इनरोलमेंट नहीं हुआ है बहुत सारे लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं तो उन सबको काम में लिया जाए और उनको सत्यापित करके सैलरी दी जाए सत्यापन का तात्पर्य एक और भी होगा कि कुछ लोग दिल्ली हैं मुंबई हैं कहीं और बाहर प्रदेश में भी हैं तो सत्यापित हो पाए कि अपने ग्राम पंचायत में हैं या फिर इसके बाहर होकर तो सैलरी नहीं ले रहे हैं जो कि पूर्णतः अवैध होगा तो आप जान ले ये जो लेटर है ये अपर मुख्य सचिव द्वारा भेजा गया है सारे डीपीआर को डीपीआर आपका जो होता है वो पंचायती राज के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जो कि सारे काम को हैंडल करता है और लोगों को सारे काम को अधिश्त करता है तो आप जान ले ये लेटर आपके लिए पॉजिटिव है और आप सबकी सैलरी जो है जिसकी नहीं आई है उसकी एक जंबर से प्लान हो जाएगी और ग्राम पंचायत के माध्यम से आपको सैलरी मिल जाएगी तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए कुछ जानकारी लेके आएगी वीडियो अच्छी को लाइक करेगा चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करेगा जय हिंद बाय दोस्तों